नमस्कार, स्वागत है आपका कोइनास कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट आराधना। तो दोस्तों, देखते हैं आज कोइनास किचन में क्या स्पेशल बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं मेदू बड़ा। मेदू बड़ा बनाएंगे, लेकिन पोहे का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये रेसिपी 10 से 12 मिनट में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इसे सुबह सुबह के नाश्ते में बहुत ही झटपट तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने लिया है 1 कप पोहा। ये पोहा मोटे वाला पोहा है। मोटे वाला पोहा लीजिए और इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉश। तो हमें इसे 1-2 बार बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ मैं एक बाउल में डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे पानी और इसे काफ़ी अच्छे से साफ कर लेंगे। हाथों से अच्छे से मसल कर हल्का हल्का मसलेंगे और पोहे को काफ़ी अच्छे से वॉश कर रेडी करेंगे। ये पानी मैं निकाल देती हूँ और इसको 1-2 बार और इसी तरह से अच्छे से धो लीजिए। ये हमने वॉश कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भीगने देंगे, ताकि जो हमारा पोहा है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कितना पानी जो है वो पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब जितना पानी बाकी है इसको हम ड्रेन कर देंगे। तो लीजिए, मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसे करेंगे एक बॉल में शिफ्ट। ये देखिए, हाथ से आप दबाओगे तो ये इस तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसमें ऐड करना है हमें ब्रेड क्रम्ब। यहाँ मैंने ये 1/2 कप ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। ये जो ब्रेड क्रम्ब है, मैंने ड्राई वाले जो कॉर्नर होते हैं बच जाते हैं उनको मैंने ड्राई कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया है। अगर आप पे ये ना हो तो आपको क्या करना है, 2 से 3 स्लाइसेस ब्रेड के लीजिए और उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। वो आपके ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाएंगे। 1 लिया है बड़े वाला प्याज, इसको बारीक काट लिया हुआ है, ये हमने ऐड कर देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे हरी मिर्ची कटी हुई। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, जितना तीखा पसंद करो उतना ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 चम्मच डालूंगी चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच डालूंगी मैं हींग, 1 चम्मच डाल देंगे दही, फ्रेश दही, थोड़े से डालने हैं हमें कड़ी पत्ता। यहाँ मैंने 10 से 12 कड़ी पत्ता लिए हैं, जिनको हाथों से क्रश करके डाल देंगे। ये ड्राई वाले हैं इसलिए इस तरह डाल रही हूँ। अगर आप पे ग्रीन वाले हों तो आप चाकू से काट कर बारीक तब डाल दीजिए। अब इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, 1 पिंच इसमें डालेंगे हम सोडा। आप चुटकी भर सोडा लीजिए और डाल दीजिए। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है। काफी अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका पूरा मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगा, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है। अब हाथों को करेंगे ग्रीस। तो हल्का सा ऑयल हाथों पर अप्लाई कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लीजिए और उसको बड़े की फॉर्म में ले आइए। तो थोड़ा सा हम इस तरह से पहले एक बना लेंगे गोला और उसको फ्लैट कर देंगे, देन हम इसे शेप दे देंगे मेदू बड़ा की। तो सेंटर से इसमें उंगली से आप होल कर दीजिए। तो लीजिए, ये हमारा बड़ा जो है वो बनकर रेडी हो गया।
फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप इसे सुबह शाम कभी भी बना सकते हो और ये खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान है। इसको समय नहीं लगता बनाने में बिल्कुल भी, आपको हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये नाश्ता आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सारे बड़ों को आप इसी तरह से बनाकर रख लीजिए, देन हम उसे फ्राई करेंगे। ये देखिए है ना आसान, बहुत इजी सी रेसिपी है। आप इसको शेप कोई भी दे सकते हो। अब मैं इसको मेदू बड़ा बोल रही हूँ, पोहा से बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको बड़े जैसी शेप दे रही हूँ। आप चाहो अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हो, पर ये नाश्ता आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये बनने में इसको समय ज़्यादा नहीं लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो लीजिए फटाफट से सारे मेदू बड़ा इसी तरह से आप तैयार कर लीजिए। ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो हम चलते हैं अब फ्राई करने की ओर। यहाँ पर मैंने ऑयल पैन में रख लिया है, ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। अब हम फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा लो और अब इसमें डाल देंगे बड़े। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑयल जो है वो आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये बड़े जो आप फ्राई कर रहे हो इनके खुलने का डर रहता है। तो ऑयल का तापमान जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म हो, उसके बाद आप थोड़ा सा कम कर लें तो सही है। अगर आप पहले टेम्परेचर उसका ऑयल का लो रहेगा तो मेदू बड़ा जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। अब हमें इसे अलटते पलटते हुए सुनहरी होने तक फ्राई कर लेना है अच्छे से। अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है। बस इसी तरह से आपको अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई कर तैयार कर लेने हैं सारे बड़े। तो लीजिए अब इसको निकालते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है वो सारा टिश्यू पेपर में रह जाए। इसी तरह से सारे बड़े हम फ्राई कर रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से ज़रूर घर पर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है और इसको बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी बनते हैं बड़े और अंदर से उतने ही सॉफ्ट लगते हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ परोस सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है, तो आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हो, चाहे सुबह चाहे शाम। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और हाँ रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी बहुत जल्द।